हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 2.5% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद रहा, अच्छी तेज़ी आई वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। आगे कहां पर जा सकता है वो हम देखेंगे। उससे पहले जिन्होंने भी सुपर थैंक्स या फिर सुपर चैट की उनको थैंक यू। आप भी चाहे तो अपनी मर्ज़ी से सिर्फ 20 रुपये से शुरुआत होती है, आप चाहे तो वो जो है डोनेशन दे सकते हैं। डेली हम एक जो है शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, उसके अंदर भी ऐसे स्टॉक्स शेयर करते हैं जिसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हो सकता है लोगों को अच्छा लग रहा हो, उस वजह से वो सुपर चैट या सुपर थैंक्स दी हो, और वो पैसा जो है जो एडिटिंग करते हैं हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको जाता है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से सुपर थैंक्स या सुपर चैट दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। इनके अंदर जो है एक अच्छी खबर आ सकती है, वो क्या है वो हम देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। साथ साथ जो है सेबी का जो है एक नोटिस आया है, तो वो भी पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, आज ही की तारीख है 23 मई, और ये जो है अपडेट किया है। तो यहाँ पर आप देखें तो डिस्क्लोजर ऑफ अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी रेगुलेशन 2015। तो ये जो है एक 22 मई को जो है इसको, मतलब कि कल के दिन एक लेटर इसको जो है रिसीव हुआ था, और 4 लाख रुपये के आसपास का फाइन है इसके ऊपर भरा था। तो कुछ मतलब कि रूल्स हो गए, जो कि छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं लिस्टिंग के, उनको अगर जो है उनके तहत ये जो है छोटा सा जुर्माना जो है इनके ऊपर लगा है, और यहाँ पर इसी का जो है नोटिफिकेशन इसको मिला है। और आगे भी हम, आप चाहे तो वीडियो को इसको पॉज कर पढ़ सकते हैं। बाकी दूसरा पेज जो है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो 4 लाख जो है इतनी बड़ी रकम नहीं है, तो छोटा सा फ़ाइन ही है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट रेवेन्यू है उनके सामने ये रकम जो है छोटी यहाँ पर दिख रही है, और इससे कुछ दिक्कत नहीं पड़ सकती ऐसा मुझे लग रहा है। और आज जो है हमने वो देखा भी, क्योंकि ये जो है खबर जो है आज ही आ चुकी थी, लेकिन फिर भी शेयर के प्राइस के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और इसको आप पढ़ सकते हैं सभी के सभी पॉइंट्स को। तो ये तो बात हुई सेबी की। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस ये खबर आपने नहीं पढ़ी तो इसके ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस किया इससे पहले की वीडियो, वो आप ज़रूर देखें कि अदानी एंटरप्राइज जो है वो सेंसेक्स के अंदर शामिल जो है हो सकता है। और ये पहली बार होगा कि अदानी ग्रुप का शेयर जो है सेंसेक्स, जो कि दिग्गज इंडेक्स है, 30 शेयर्स उसके अंदर आते हैं। 30 शेयर से सेंसेक्स बनता है, 50 शेयर से निफ्टी बनता है। तो ये 30 शेयर्स के अंदर जो है, ये सेंसेक्स के अंदर जो है अदानी एंटरप्राइज जो कि इसकी फ्लैगशिप कंपनी है वो शामिल हो सकती है। इसके साथ साथ 3 और कंपनियां हैं वो भी जो है BSE 100 में शामिल हो सकती है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो रिव्यू जो है इसकी बदलाव की घोषणा शुक्रवार यानी कि 24 मई यानी कि कल को ही होगी। और ये जो अनुमान है ये IIFL रिसर्च का कहना है। और आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें इस बदलाव से जो है सेंसेक्स में, मतलब कि ये 1000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है, और विप्रो जो है वो सेंसेक्स से बाहर हो सकता है। अब यहाँ पर जो है BSE 100 के इंडेक्स के अंदर जुड़ेंगे अदानी ग्रुप के 3 और शेयर, तो वो कौन कौन से हैं? ये BSE 100 की बात यहाँ पर हो रही है, उस इंडेक्स की। तो इसके अंदर अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर और अदानी एनर्जी सोल्यूशन। तो ऑलरेडी जो है ये 4 कंपनियों की यहाँ पर बात हो रही है। तो आने वाले समय में अदानी टोटल गैस का भी जो है इसके अंदर भी ऐसी कुछ खबरें आ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल, क्योंकि ये एक अनुमान की बात है। और क्योंकि ऑलरेडी ये 4 शेयर है, और अदानी टोटल गैस का भी अच्छा खासा मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है, तो उनका भी जो है किसी इंडेक्स के अंदर शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भी एक जो है शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर ऐसी खबरें आती है तो जो जो फंड्स होते हैं इंडेक्स फंड, FIIs या फिर घरेलू म्यूचुअल फंड, वो जो है ऐसी कंपनियों के अंदर उनका निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि वो फंड्स जो होते हैं इंडेक्स फंड होते हैं, वो चाहे या ना चाहे लेकिन इन कंपनियों के अंदर उनको खरीदारी करनी पड़ती है क्योंकि वो इंडेक्स फंड होते हैं। तो उस वजह से उन शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। आई होप कि आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब उनके अंदर भी हमने जो है और भी कुछ कंपनियाँ हैं जो पूरा अदानी ग्रुप है उनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अदानी फ्लैगशिप जो है इसकी कंपनी उनको सेंसेक्स के अंदर शामिल किया है, तो और कंपनियों का भी जो है ऐसे इसके अंदर भी न्यूज़ आ सकती है। तो फिलहाल इसकी भी बात हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं आज के कारोबार की बात। डिलीवरी वॉल्यूम जो है अभी भी यहाँ पर कम दिख रहा है। यहाँ पर अगर देखें क्वांटिटी आज अच्छी खासी 30 लाख जो है 3 मिलियन के आसपास की ट्रेड हुई, 7.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, सिर्फ 26%। पहले जो है ये 40 से 50% के आसपास की डिलीवरी उठ रही थी। तो ये एक जो है थोड़ा सा पॉजिटिव भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अभी निवेशक जो है वो सेल नहीं कर रहे, शायद बड़े निवेशक या भी जो, मतलब कि वो भी, उनको भी ये शायद लगता हो कि आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है, तो ज़्यादा सेलर्स शायद नहीं है, तो अभी ज़्यादा इंट्राडे यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले मंथ जो है 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट भी इसका देखेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और ये जो मूविंग एवरेजेस होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकती है। अच्छी खासी तेज़ी आई, यहाँ पर फ्लैट था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, ये जो हाई बनाया क्यों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया वो आपको देखने को मिलेगा। पहले तो वीकली चार्ट को अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चार्ट है ये,
जैसे ही सिचुएशन ये है, जब हाइडनबर्ग की रिपोर्ट आई, यहाँ से आए, फिर यहाँ पर बाउंस बैक आया, फिर नीचे आया, और ये जो सिचुएशन बनी काफ़ी टाइम यहाँ पर इसने लिया था, फिर ये बाउंस बैक आया था। तो क्या वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर जो देखने को मिल रही है? नहीं, अभी ऐसा ही यहाँ पर फिलहाल लग रहा है। क्या यह सिलसिला और थोड़ा सा चलता है उसके बाद बाउंस बैक आता है या नहीं, वो देखना बनता है, या फिर ये इलेक्शन के रिजल्ट है उसके बाद इसके अंदर बाउंस बैक आता है नहीं, वो देखना बनता है। अभी सिचुएशन जो है जैसी यहाँ थी वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है। यहाँ पर भी जो है कई लोग थके होंगे, उसके बाद उन्होंने बेच दिया होगा, और उसके बाद ये शायद तेज़ी आई, तो यहाँ पर भी जो है अभी वही चीज़ दिख रही है। तो जो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंस रखेंगे, उनको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। साथ साथ वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर हम देखें और बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 200 वीक का मूविंग एवरेज काफ़ी मायने रखता है। इसके ऊपर एक ही बार जो है इसने क्लोजिंग दी थी, जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब की बात, उसके बाद की बात करें, उसके बाद अगर इसके ऊपर ये वापस से वहाँ पर निकलता है 1100 रुपये के आसपास से ऊपर, तो इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है। और यहाँ पर मंथली चार्ट ज़रा इसका देखें, जो इसने यहाँ पर 1250 रुपये के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस किया था, तब हमने बात की थी कि यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। क्यों वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया था? क्योंकि वहाँ पर 21 महीनों का, ये मंथली चार्ट है, 21 महीनों का मूविंग एवरेज वहाँ पर था, तब ये 1250 रुपये के आसपास था यहाँ पर। अभी ये थोड़ा सा नीचे आया है, तो ये जब मूविंग एवरेज काफ़ी मायने रखती है कहीं ना कहीं। 50 महीनों का मूविंग एवरेज ज़रा देखिए, वहाँ पर भी इसने जो है अभी पिछले 6 महीने की बात करें उसी लेवल के आसपास ये काम कर रहा है। तो ये दो मूविंग एवरेज जो है उनके बीच में अभी इसका कामकाज हो रहा है ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गिरावट आई थी उसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 4000 से यहाँ तक गया था तब की बात है, और प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं मतलब, लेकिन अगर ये 1100 को पार करता है उसके बाद जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बीच बीच में इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, और ये सब जो है लेवल है यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। और आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, अगर इसका जो है बुलिंजर बैंड देखें तो ऊपरी लाइन जो है उसके लेवल के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी मिडल लाइन है बिल्कुल इसने आज वहीं पर रजिस्ट्रेशन फेस किया है। तो इसी वजह मैंने कहा कि टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। आज के दिन का ज़रा इसका हाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो ब्लू लाइन है वहीं पर इसने जो है एक रजिस्ट्रेशन फेस किया है। इस लाइन को अगर तोड़ता है तो ये यहाँ तक, यानी कि 1100 तक आने की इसकी संभावना रह सकती है, जो कि इसकी ऊपरी लाइन है। और अब एक ही दिन बाकी है, कल के दिन अगर ये लाइन के ऊपर निकल जाता है तो अच्छा रह सकता है, जो आज का हाई है। यहाँ पर अभी देखें MACD को, तो इसके अंदर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है डेली चार्ट के ऊपर, लेकिन अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखें, तो जैसे कि इसके ऊपर अब हमारी डेली नज़र रहती है, आने वाले महीने में इसके अंदर अगर इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर होता है तो एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। और यहाँ पर जो है अभी ये दिख रहा है कि एक जो है बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी कहीं ना कहीं दिख रही है। साथ साथ ये जो कैंडल अभी तक अगर बनी, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल बनी है, वो भी गिरावट में, तो इसका भी संकेत एक तेज़ी का संकेत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी महीना बाकी है, तो ये महीना पूरा होते होते कैसी कैंडल बनती है वो भी देखना बनता है। तो इसका RSI देखें तो 60 के पार पहुँच चुका है, स्ट्रेंथ वापस लौटी है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं, उससे पहले अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो है MOU साइन किए, और जो चार्जिंग स्टेशन जो है ये लोग जो जॉइंट वेंचर के तहत जो है वो सर्विस देने वाले हैं, तो उससे जो है इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, और कल मुझे ऐसा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन रह सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी तेज़ी ऑलमोस्ट आ चुकी है। 850 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया था, तभी हमने बात की थी कि बाउंस बैक आ सकता है, आज 976 रुपये तक गया, 125 रुपये के आसपास की इसके अंदर जो है तेज़ी ऑलमोस्ट आ चुकी है, मतलब कि 15% के आसपास की। कल के दिन हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो नीचे में पहला सपोर्ट इसका 940 के आसपास दिख रहा है, उसके बाद देखें तो तकरीबन 915, उसके बाद देखें तो 900 का लेवल, और उसके बाद जो है 875 का लेवल, तो ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं 102 दिन की बात करें। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 980 के आसपास जो आज इसने हाई बनाया था उसके लेवल के आसपास, उसके बाद 1000 से लेकर 1020 का जोन, ये लेवल अगर ये पार कर देता है उसके बाद जो है ये 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और 1100 को पार करता है उसके बाद आराम से ये 1250, 1500, 1700 और 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से लाइव मार्केट के ऊपर इसकी हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।